भगवत्यै नमः। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य। श्रेष्ठो या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरि गिरिशारादिक्तालंकरोतु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयति। ऋषिगण तथा सूत जी का संवाद। देवी भागवत की महिमा। जो सृष्टि काल में सर्ग शक्ति, स्थित काल में पालन शक्ति तथा संहार काल में रुद्र शक्ति के रूप में रहती है, चराचर जगत जिनके मनोरंजन की सामग्री है, परापश्यन्ति मध्यमा एवं बैखरी वाणी के रूप में जो विराजमान रहती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर के द्वारा जो आराधित हैं, वे भगवती आद्या शक्ति हमारी वाणी को सुशोभित करें। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ अर्जुन भगवती सरस्वती एवं महाभाग व्यास जी को प्रणाम करके इस देवी भागवत नामक विजय गाथा का उच्चारण करना चाहिए। ऋषिगण बोले, सूत जी आप बड़े बुद्धिमान हैं, व्यास जी से आपने शिक्षा प्राप्त की, आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे। भगवान अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा का संपूर्ण पापों का संहार करने वाली एवं अत्यंत अद्भुत है। हम भक्ति पूर्वक उसका श्रवण कर चुके। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा इसका इतिहास भी आपके मुखारविंद से सुनने का सुअवसर हमें मिल चुका। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो तथा जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक भुक्ति और मुक्ति दोनों के सम्यक अधिकारी बन जाएं। महाभाग आपसे बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं जानते। आप हमें मुख्य मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए जिससे कलयुग में मनुष्यों को भी सिद्धि मिल सके। सूची कहते हैं, ऋषियों तुम बड़े भाग्यशाली हो, जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने ये बहुत उत्तम बात पूछी। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है वह प्रसंग विशद रूप से तुम्हारे सामने मैं उपस्थित करता हूँ। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह पुराण कैसा है और उसके सुनने की कौन सी विधि है, कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है, इस कथा से किस देवता का पूजन होना चाहिए तथा कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं, यह सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। सूची कहते हैं, व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं, पराशर जी उनके पिता और सत्यवती माता हैं। व्यास जी ने वेदों को चार भागों में विभाजन कर उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन नीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने के अनाधिकारी एवं स्त्रियां तथा मूर्ख जन हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो, यह चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का संपादन किया, 18 पुराणों की रचना करके उनको मुझे पढ़ाया, महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय भक्ति और मुक्ति देने वाले देवी भागवत नामक पुराण को रचा, स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जनमेजय को श्रोता होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूर्व समय की बात है, जनमेजय के पिता राजा परीक्षित थे, उन्हें तक्षक सर्प ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जनमेजय ने देवी भागवत सुना, वेदव्यास जी के मुखारविंद से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती आद्या शक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नवाह यज्ञ संपन्न होने पर भी उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके वे वहां पधार गए। पिता को परम धाम प्राप्त हो गया यह देखकर राजा जनमेजय को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती है, अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग त्रेता और द्वापर में अनेकों धर्म थे, लेकिन कली के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म नहीं है।
कल के मनुष्य धर्म और आचार से हीन एवं अल्पायु होंगे, उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया है। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है, मनुष्य सदा इसका श्रवण कर सकते हैं। अश्विन, चैत्र, वैशाख और जेठ के महीने में तथा चार नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल प्राप्त कर लेता है, अतः इसे नवाह यज्ञ कहा गया है। जो कलुषित विचार वाले, पापी, मूर्ख, मित्र दोही, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा में संलग्न और नास्तिक हैं, उनका भी कलि में इस नवाह यज्ञ से निस्तार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्यों को जो फल दुर्लभ रहता है, वह भी इस नवाह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह सर्वोपरि साधन है। सूर्य के कन्या राशि में स्थित होने पर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सोने के सिंहासन पर स्थापित करके भक्ति पूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह पुरुष देवी का प्रीतिभाजन होकर उनके परम पद का अधिकारी बन जाता है। जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्तिभाव से नित्य पाठ करता है, उस पर देवी प्रसन्न हो जाती हैं। महामारी, हैजा आदि भयंकर बीमारियां तथा अनेकों उत्पात भी देवी भागवत के श्रवण मात्र से शमन हो जाते हैं। पूतना आदि बाल ग्रह कृत तथा भूत प्रेत जनित जो भय हैं, वे इस देवी भागवत के श्रवण से पास भी नहीं भटक सकते। भक्ति पूर्वक देवी भागवत का पाठ और श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल का अधिकारी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए चले गए, बहुत समय तक नहीं लौटे, तब वसुदेव जी ने यह देवी भागवत पुराण सुना। इसके प्रभाव से उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को शीघ्र पाकर आनंद लाभ किया था। जो पुरुष देवी भागवत की कथा भक्ति के साथ पढ़ता है और सुनता है, भक्ति और मुक्ति उसके करतलगत हो जाती है। यह कथा अमृत स्वरूपा है, इसके श्रवण से अपुत्र पुत्रवान, दरिद्र धनवान और रोगी आरोग्यवान हो जाता है। जो स्त्री वंध्या, काकवंध्या और मृत वत्सा हो, वह भी देवी भागवत की कथा सुनने से दीर्घजीवी पुत्र की जननी बन जाती हैं, जिससे घर में श्री देवी भागवत की पुस्तक का नित्य पूजन होता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वहाँ रहने वाले लोगों के पास पाप नहीं टिक सकते। जो अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी के दिन भक्ति के साथ ये कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे परम सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। इसका पाठ करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो प्रकांड विद्वान, क्षत्रिय हो तो महान शूरवीर, वैश्य हो तो प्रचुर धनाढ्य और शूद्र हो तो अपने कुल में सर्वोत्तम हो सकता है। अथ प्रथम अध्याय समाप्त। नमो नारायण।